बीते दिनों बस ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा टीकमगढ़ कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें बताया गया कि उन्हें परमिट बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टीकमगढ़ आरटीओ विभाग में अधिकारी नजर नहीं आते। इसके पहले भी उनको लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही न होने के कारण बस ऑपरेटरों ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंप कर सुनिश्चित व्यवस्था की मांग की। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जिला परिवहन अधिकारी कभी अपनी सीट पे बैठते नहीं है। कई बार विधायकों से, राजनीतिक दलों से संपर्क किया गया। एक दिन हमारा डेपुटेशन सागर मिलने परिवहन मंत्री से भी गया था, उनने भी आदेश किया था आज दिनांक को बारात के परमिट बनना है, चाहे फिटनेस होना है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, ना कोई हमारी सुन रहा है। यदि आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम जो कानून को ध्यान में रखते हुए आगे चक्का जाम करना पड़े, चाहे अपने परमिट जमा करना पड़े, हम सामूहिक रूप से टीकमगढ़ जिला प्रशासन के सब ऑपरेटर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब से आप कितना समय मांगेंगे? कलेक्टर साहब से हम 2 दिन का समय मांगे कम से कम, इसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। ये जिला परिवहन अधिकारी श्री निर्मल कुमारावत जी हैं टीकमगढ़ में, वो जब से यहाँ पदस्थ हैं कभी भी जिला परिवहन कार्यालय टीकमगढ़ में नहीं बैठ रहे हैं, और हम लोगों की जो भी समस्याएँ हैं एक भी समस्या का हल नहीं हो रहा है, ना ही कभी किसी भी मोटर मालिक का फोन उठाते हैं। अभी वर्तमान में मैरिज पार्टी एवं अन्य टूर के परमिट बनना है बस ऑपरेटरों के, जो नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि अभी सर्वर में काम चल रहा है, जिस वजह से कंप्यूटर से परमिट नहीं बन रहे हैं, जबकि अन्य जिलों में हाथ से परमिट बन रहे हैं। बैंक में चालान से टैक्स जमा करवाया जा रहा है और हाथ से परमिट बनाए जा रहे हैं, जबकि टीकमगढ़ में ऐसे परमिट नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे जो मैरिज पार्टी में बसें जानी हैं वो जो बुक और पहले से बुक हैं वो नहीं जा पा रही हैं, जिसमें विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। आप लोग इसके तो अभी हम लोग कलेक्टर महोदय से को ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि श्री जिला परिवहन अधिकारी निर्मल कुमारावत को निर्देश दें कि वो अपने कार्यालय में बैठें और बस मालकों की समस्या को हल करें। अगर आप लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आगे क्या रहेगी रूपरेखा? अगर हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो समस्त जिले के बस ऑपरेटर एक मीटिंग करेंगे और उसमें जो भी रणनीति बनेगी उस हिसाब से कार्य करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।